जम्मू कश्मीर में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बिगड़ने लगे हैं। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल प्रशासन ने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसके तहत दरबार मूव को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही कामकाज प्रभावित न हो इसके लिए सचिवालय श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह ई ऑफिस के जरिए कार्य होगा। सचिवालय श्रीनगर और जम्मू दोनों में समान रूप से कर्मचारी कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज ऊपर नीचे चल रहा है। कहीं बारिश, कहीं बादल, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं धूल भरी आंधी। मौसम के ऐसे रंग आजकल देखने को मिल रहे हैं। जम्मू का अधिकतम तापमान बीते दिन 35.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार 18 अप्रैल तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। शहर के सतवारी चौक में स्थित फल और सब्जी मंडी में आग लग गई। आग में 16 रेड़ियां और 3 दुकानें जलकर राख हो गईं। प्राथमिक जांच में आग फल एवं सब्जी मंडी के ऊपर से निकल रही हाई टेंशन वायर के टूटने से शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग लगने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आग लगने से लाखों का नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वादी में अपने खिसकते जलाधार को बचाने के लिए सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। दोनों दल सदस्य अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाते हुए घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। किसी को भी पार्टी का सदस्य बनाने से पहले उसे अपने राजनीतिक एजेंडे और जम्मू कश्मीर के बदलते हालात से अवगत करा रहे हैं। DDC चुनाव के बाद इन पार्टियों को समझ आया कि उनका जनाधार खिसक चुका है। जम्मू कश्मीर में शराब के ठेकों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। ये प्रक्रिया 18 अप्रैल तक चलेगी। नीलामी के चलते कर्मचारियों की संडे की छुट्टी रद्द कर दी गई है। नीलामी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। नई आबकारी नीति प्रदेश में शराब ठेके के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। नई नीति केवल स्थानीय लोगों को रोजगार देगी। इसके अलावा नकली शराब की बिक्री की जांच के लिए न्यूनतम गारंटी राजस्व MGR तय किया गया है। जम्मू के वार्ड नंबर 19 के नाले कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। हम सारा दोष प्रशासन, पार्षद, GMC को देते हैं, परंतु अगर इन कूड़े कचरों को नालियों और बरसाती नालों में अगर कोई फेंकता है तो वह हम सब हैं, जनता है। इसी सब को देखते हुए वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता द्वारा अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा किया गया और लोगों को आश्वासन दिया गया कि विषयों से पहले वार्ड 19 के सभी नालों को साफ कर दिया जाएगा। देश के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लोग COVID-19 के दिशा निर्देशों का धड़ल्ले से मजाक बना रहे हैं। वो खुद तो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अब जम्मू ट्रैफिक विभाग और सख्त हो गया है। मेटाडोर, चार पहिया वाहन सभी की चेकिंग की जा रही है। जो व्यक्ति ड्राइवर बिना मास्क के नजर आया उसको जागरूक किया जा रहा है और चालान भी काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा कच्ची छावनी में ये अभियान चलाया गया। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच जम्मू शहर के बाजारों में लोगों की भीड़ डराने वाली है। कोरोना महामारी की ताजा लहर काफी तेजी से फैल रही है और जम्मू जिले में ही अप्रैल के महीने में COVID-19 के केस कई गुना बढ़ गए हैं। हालात ये है कि जिले में रोजाना करीब 200 नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी गंभीर परिस्थितियों के बीच शहर के बाजारों में लोग बेखौफ घूम रहे हैं। चिंता की बात ये है कि ये लोग बिना मास्क पहने, आम जनता हो या खास लोग, कोई भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। यही एक बड़ा कारण है कोरोना के फैलने का। जिला सांबा में पशु तस्कर दिन ब दिन नए तरीके अपनाकर पशु तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहले से मुस्तैद जिला सांबा पुलिस उनके हर काम को विफल कर रही है। पिछले दिनों पशु तस्करों ने टैंकर, पानी की टंकी, मेटाडोर, स्कॉर्पियो के भीतर पशु तस्करी करने का प्रयास किया, जो विफल हो गया। लेकिन इस बार उन्होंने एक ट्रक में चारा भूसा लोड करके उसके अंदर पशुओं की तस्करी का प्रयास किया, जिसे सांबा पुलिस ने विफल कर दिया। ट्रक की जब जांच की गई तो अंदर 12 पशु पाए गए, जिसमें से 2 पशुओं की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है।
ट्रक के ड्राइवर हरमिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पशुओं की हालत बहुत गंभीर थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की स्थिति के मद्देनजर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि हालात को देखते हुए सरकार ने राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू लागू होगा। वहीं उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को वीकेंड कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ड्रैगन भारत और चीन सीमा पर विवाद को सुलझाने की बजाय अकड़ दिखा रहा है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ गतिरोध को कम किया जाए, लेकिन चीन ने एक बार फिर अड़ियल रुख अपनाते हुए पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देवसांग के संघर्ष वाले क्षेत्रों से सैनिकों के पीछे हटने से इनकार कर दिया है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5वीं और 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा की है। अभी सरकार ने 12वीं की परीक्षाओं पर कोई फैसला नहीं किया है। पंजाब में पहले से ही सभी शैक्षिक संस्थानों को 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी के श्रीनगर स्थित कार्यालय में नहीं पहुंची। उन्हें ईडी अधिकारियों ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। करीबियों से मिली जानकारी के अनुसार उनकी नातिन इल्तिजा मुफ्ती को कोरोना हुआ है, वो उसके संपर्क में थी, लिहाजा उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटीन किया हुआ है। जम्मू में अनेकों कॉलेजों स्कूलों के बच्चे द्वारा आए दिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन की मांग करते हुए प्रदर्शन किया जाता रहा है। इसी क्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जोड़ा और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से हम अभी भी फर्स्ट ईयर में ही हैं। हमें एग्जाम्स की डिफरेंट डेट्स देती जाती हैं। हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। या तो हमें मास प्रमोशन दिया जाए या फिर हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाए, लेकिन प्रशासन हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगा हुआ है और कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।